अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सोया चंक्स या मील मेकर की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम सोया चंक्स लिया है। अच्छे से साफ करके इसको 2 घंटे के लिए पानी में भिगो लें। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसको अच्छे से स्क्वीज कर लें, सारा एक्सेस वाटर निकाल लें। ये फुल ऑफ प्रोटीन कंटेंट है, ये डायबिटिक और बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसको वीकली वन ज़रूर बनाएं। अब एक अलग से बाउल में एक अंडा लें और उसमें नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, इन सब को ऐड करके अच्छे से भेज लें और इसको सोया चंक्स में मिक्स कर। इसी के साथ इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करें। अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। अब एक पैन में 4 से 5 टेबलस्पून तेल ऐड कर लें, उसमें सोया चंक्स को मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लें, ज़्यादा ब्राउन ना करें इसको। इस पॉइंट पे फ्लेम को ऑफ कर दें और चंक्स को एक बाउल में निकाल लें। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ग्रेवी के लिए हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिया है, करी पत्ता, 2 मीडियम साइज के प्याज, 1 छोटा पीस कच्चा नारियल, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया। हरी मिर्च अपने हिसाब से लें। अब इन सब चीज़ों को फ्राई कर लें। फ्राई करने के वक्त इस पे 3 टेबलस्पून तेल ऐड करें और नमक को भी ऐड कर लें। इन सब चीज़ों को 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लें हाई फ्लेम पे। ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बना लें। अब उसी पैन में 2 टेबलस्पून तेल ऐड करें, 1/2 टीस्पून ज़ीरा राई, अच्छे से भून लें। अब इसी में हम 2 कटी हुई सूखी लाल मिर्च को ऐड कर लेंगे। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लें। अब हम अपना फ्लेवर वाला टेस्टी करी पत्ता ऐड करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से भून के अपना ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल देंगे। अब इस मसाले में हम अपने ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे, जैसे हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। यहाँ पे हम कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है, ये ऑप्शनल है। इन सब को अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लें। अल्हम्दुलिल्लाह मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम अपने सोया चंक्स ऐड कर देंगे। इनको भी 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लें और 1/2 कप पानी ऐड करके मीडियम फ्लेम पे पका लें। माशाल्लाह देखिए, हमारी ग्रेवी और सोया चंक्स दोनों अच्छे से घुल मिल गए हैं। अब इसको हम नींबू का जूस ऐड करके चटपटा बना देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लें। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च और हरा धनिया के साथ गार्निश कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोया चंक्स या मील मेकर की सब्ज़ी बनके तैयार है। इसको गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।